मानते वस्तु मामा अवाल बाबाल मात्र और पितृ शक्तियां कोया पुंगार अर्थात मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों उन सभी को मैं सेवा सेवा से हजार करता हूं। आज इस कार्यक्रम को देख करके बहुत खुशी होता है। यह कार्यक्रम आप लोगों को बता दूं, यह कार्यक्रम राजनीतिक मंच नहीं है, यह कार्यक्रम सामाजिक जो हमारे घर द्वार पे हमारे खेत बाड़ियों पे हमारे खनियालों पे डेहरी पे कोठी पे जितने यूज होते हैं जितने तरीके से हम नए सेंग रीति रिवाजों से निभते हैं उन सभी के विषय में चिंतन मंथन करने वाली मंच है। मैं आप सभी उपस्थित जनता से निवेदन करूंगा कि जो भी इस मंच के द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा उसको धैर्य के साथ शांतिपूर्ण सुनिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सुनते ही शायद आपके मन में प्रश्न उठा देंगे और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेंगे। और जितने भी आपके मन में प्रश्न उठेंगे उन सभी के लिए इस कार्यक्रम अगर सही समय पे संपन्न होती है तो संयोजन समिति सगसगम मंडल के द्वारा यह 2 घंटे का लास्ट में सवाल जवाब का भी कालखंड रखा गया है। अपना जो प्रश्न है वो मन में लेके ना जाए क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार हमारे इस क्षेत्र में यह सामाजिक मंच देखने मिल रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा समुदाय मानता है लेकिन उसको जानता नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मैं और सबसे पहली बात ये बता दूं कि मैं जो अपनी बात जो रखूंगा बहुत संक्षिप्त में रखूंगा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज आप हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप और हमारे बीच में हमारे समक्ष ऐसे ऐसे वक्तव्य लोग उपस्थित हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व करने वाले सामाजिक चिंतनकार एवं संवैधानिक वार्ता करने वाले नेतृत्व करने वाले सगा पाड़ी आज हमारे पास मौजूद हैं। तो यह बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त के साथ रखूंगा और मेरी बातों से आपके मन में मैं चाहूंगा कि आपके मन में प्यास उठे और जब प्यास उठेगी तभी जाकर के आप लोग प्यास बुझाने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आज हमारे मंच के सामने जितने भी हमारे सगा पाड़ी बैठे हैं बहुत से लोगों के कंधे पे सर पे एक पीला वस्त्र दिख रहा है जिसे गमछा बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिसके विषय में जानते भी नहीं है, बहुत से लोग हैं जानते हैं अपने अपने चिंतन के तरीका पे, लेकिन ये मंच के माध्यम से आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपको प्रश्नकाल के दौरान आपको इस प्रश्न का सवाल जवाब करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सगसगम सामाजिक संस्था संयोजन समिति मंडला ने यह कार्यक्रम पूनल वंजी पाबुन के उपलक्ष्य में रखा गया है। मुझे ज्ञात है बहुत से लोग सोचते होंगे कि पूनल वंजी पाबुन क्या है। कृपया वक्तव्य की जितनी भी बातें हैं उनको ध्यान से सुने। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि पूनल वंजी पाबुन क्या होता है? पूनल वंजी पाबुन जोर से बोले। चलो जो भी है जिसने भी बोल रहा होगा वाकई में सही बोल रहे होंगे, फिर भी आप लोगों को बता दूं मैं पूनल वंजी पाबुन इसी बात को मैं पहले बोल चुका था कि हमारा समुदाय बहुत सी चीजों को मानता है लेकिन जानता नहीं है। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों या हमारे माँ बाप के द्वारा जो भी नैनसेंग करते हैं जो भी रार कंडे से होम धूप देते हैं उस वक्त हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो वो क्या बोल देते हैं? बेटा चुपचाप रहे।
वो क्या बोल रहा है, वहां पे क्या कहना चाह रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। हम ये जानते हैं कि वो इस तरीके से बैठ करके और इस तरीके से उसने कंडा में राग डाल दिया और हाथ हिला दिया, बाकी क्या बोला हमें बिल्कुल नहीं पता। तो ये कौन बताएगा हमको? इसीलिए आज हमारे समुदाय के जो यंग, जो हमारे आज के हम उम्र के जो समुदाय के जो अव्वल बाबा अर्थात हमारे लड़के लड़कियां, हमारे मातृ पितृ जितने भी हैं जो नहीं जानते, वो हमारे आस्था और हमारी नैन सैम पे विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस विषय में धीरे धीरे वो जानते ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग क्या है बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसको शायद मेरे ख्याल से उनको खुद नहीं पता, क्योंकि अपने माँ बाप को देख लिए जैसे वैसे ही आज भी वो करते आ रहे हैं। इसलिए ये पूनल वंजी जिसको आप लोग दिवाली और दीपावली के तौर पे मनाते हो, उस त्योहार का हमारे कोल्थोड़ियन मिजान के अंतर्गत, ये हमारी भाषागत जिसका नाम है पूनन वंजी पाबुन, आज हम इस मंच में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं करेंगे, हम पुनेम की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, हम पुनेम की बात करेंगे, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम पुनेम की बात करेंगे, हम गोंडों की बात नहीं करेंगे, हम कोई तुड़ों की बात करेंगे, हम त्योहारों की बात नहीं करेंगे, हम कोई पुनेमों की बात करेंगे। अगर हम पुनेम की बात करेंगे तो कोई गोड़ी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम कोई पुनेम की बात करेंगे। आप सोच सकते हो जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित भाषागत लोग हैं वो बखूबी इन सभी चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको संविधान और कोड और बहुत से ऐसी केसेस के माध्यम से आप लोगों के पास यह समाचार आ चुका होगा कि पोयवंशी लोग हिंदू नहीं है। बहुत से लोग इस चीज से बिल्कुल नकारते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारी जाति प्रमाण में लिखा जाता है और हम लोग जब से जान रहे हैं तब तक हम उस प्रमाण पत्र में लिखते हैं, क्योंकि हमें गुमराह किया गया। और आज हम उन जगह में लिखते हैं। आपको बता दूं, अब जो है अभी की स्थिति ये आ चुकी है कि आपके पास जब भी कोई फॉर्म या कोई भी कंप्यूटर में आप फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त एक अदर की जो ऑप्शन आता था वो आजकल वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि पहले हमारे लोग नहीं जागे थे, अब थोड़ा जाग चुके हैं तो वो सारा ऑप्शन खत्म कर दिए हैं। और जब भी फॉर्म भरते हैं आप तो वहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बाद एक अदर करके भी कॉलम आता था, और अपन जो है अज्ञानता की वजह से हिंदू में टिक मारते थे और अदर को छोड़ देते, क्योंकि हमारे वजह से वो अदर का ऑप्शन रखा था। और आज भी डर उनको है, और अब हमारी जो जागरूकता को देख करके वह आज जो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है उसमें भी ऑप्शन खत्म हो गए हैं। जब हम उस ऑप्शन को फिल नहीं करते, उसको भरते नहीं, तो हम कोई भी नौकरी या कोई भी पात्रता को फिल करने के लिए हम चूक जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन के माध्यम से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो मुझे इस मंच के माध्यम से कहा गया है, ऐसी बातें बहुत सी हैं, मैं इसलिए सच बात रखूं क्योंकि मैं इस एरिया को हूं। आज हम कहीं भी किसी भी रास्ते पे कहीं भी मिल जाएंगे, हर एक चिंतन की गहराई में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि बहुत से ऐसे ऐसे विद्वान लोग, तो उनकी बातें सुनना ज्यादा जरूरी है। आज गोंगों की बात आती है, हम पूजा की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगर कहते हैं गोंडी भाषा पारसी, इसको आप समझने के लिए बोल सकते हो, लेकिन हमारी भाषा जो है ये पुखराल की भाषा है, अर्थात ये लैंग हमारा लैंग जो है पुखराल की लैंग है, अर्थात ये प्राकृतिक भाषा है, लेकिन ये कुछ जगह में आकर के ये गोंडी भाषा या पारसी भाषा में सिमट गया। वैसे पारसी भाषा को हम समझ सकते हैं कि पारसी भाषा परोसे किया ना मामा नैन तुन मामा मिजान तुन, परोसे किया ना मध्यमान मामा नैन सेंग माया कोई पुनेम था मिजान तुन परोसे किया ना लेंगा। जिन लोगों ने भाषा जानते हैं उनको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू नहीं है साबित करेंगे तो सिर्फ भाषा से,
वरना आप गौड़ी रामायण गौड़ी पुराण पढ़ोगे तो वो चाहता है कि सिर्फ ऐसे करते रहें और हम इसको एक डिजिटल जाति प्रमाण तो बना ही रहे हैं, एक ऑप्शन मारेंगे सबकी आपकी जाति प्रमाण पत्र खत्म। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको 342 के अंतर्गत जो जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है उसकी जितनी भी तौर तरीका है उन पे चलने की वजह से आपको जाति प्रमाण दिया जा रहा है। अगर जिस दिन उन्होंने अगर सर्वे चालू कर दिया और आप अगर हिंदू वादिता के तौर पे अगर पाए जाएंगे तो निश्चित है आप तो अपनी नौकरी अपनी जिंदगी जी ले, आपके आने वाले बच्चों के लिए आरक्षण जैसे और जाति प्रमाण जैसे चीज मुक्त हो जाएंगे। अब बात आती है गोंगो की। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि पूजा करना है, हमें गोंगो करना है। और गोंगो गोंगो वो चीज है जिससे हमारे पूर्वजों तक जुड़ने की, उनकी काया से जुड़ने की, उनकी विचार उनके व्यवहार से जुड़ने की। क्योंकि आज अगर मेरे पिताजी खत्म होता है, आपके दादा दादी खत्म होता है, तो आप उनके साथ जिए हो, पले हो, रहे हो, उनकी सारी चीज आपके दिमाग में हरकतें हैं। जब उनके जाने के बाद आप गोंगो के माध्यम से जुड़ना चाहोगे तो एक एक चीज आपको दिखेगा कि मेरा दादी क्या करता था, मेरा पिताजी क्या करता था, मेरी मम्मी क्या करती थी। और जब उस वक्त आप रार और कंडे के माध्यम से फूफुल दाढ़ी और फूफुल दाढ़ी और पंडरी नौका के माध्यम से जब हम गोंगो करते हैं ना, तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं और हम गोंगो करते हैं। गोंगो को करने का तरीका है, गोंगो हम उखरू बैठते हैं, गोंगो का अलग अलग तरीका है। मैडम में गोंगो करोगे तो अलग तरीके से करोगे, मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपके दिल में प्यास जगाओ। गोंगो अगर आप मेड़ों में करेंगे तो उखरी करेंगे, घर पे करेंगे। उखरी का मतलब होता है अपन का पहनावा का पीछे का भाग खोल देना, अर्थात भुचुम जिसको बोलते हैं। मेड़ों में करेंगे तो हम भुचुम खोल के गोंगो करेंगे और घर में करते हैं तो उखरू बैठ के गोंगो करते हैं। और गोंगो का पहनावा धोती अलग होता है, ये हमारे चिंतनकार बताएंगे। गोंगो हमेशा धरती के टच में करना है, पालथी मोर के नहीं करना। गोंगो उखरू बैठना है और उसके नीचे किसी भी सॉक जूते मोजे किसी प्रकार का दरी या चटाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जमीन से पावर लेते हैं। क्योंकि आपके समुदाय में कोई भी आपका परिवार का कोई व्यक्ति खत्म होता है सायतर तो औरों नहीं भगवती मासे निखिले मावा विडार ते मंडल अदुल मिसना तोरीते दबे किया ना। अर्थात हमारे समुदाय में जब कोई आदमी खत्म होता है तो उसको गड़ाने का रिवाज है, जलाने का नहीं। जहां तक आज हमारे यहाँ इतने हिंदूवादी तक घुस चुकी है कि मुंडन देते हैं, जबकि आप यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए किसी जमाने में बद्दर नाम का कोई चीज चलता था जो भद्दर चलता है, भद्दर। और आज भी भद्दर हमारे कोई तोड़ मिजान है और मुंडन है हिंदूवादी तक। हमारे समुदाय में मुंडन किस समय में किया जाता है ये आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन प्यास जागे तभी आप जानने की इच्छा रखेंगे। जब हमारे बहन बिटिया हमारे समाज के बगैर अनुमति से किसी प्रकार से बन बिगड़ जाते हैं तो उनको मुंडन करके चौराहे में घुमा करके सबके सामने घुमा दिया जाता है और मुंडन कर देते हैं। ये दंड है हमारे समाज में। तो हमारे घर का कोई आदमी खत्म होता है तो मुंडन होने का नहीं है, भद्दर देने। तो रही बात गोंगो का, तो गोंगो वह चीज है जो हम अपने पूर्वजों से जुड़ने का, और गोंगो से हम वो पावर लेते हैं, वो अनुभूति लेते हैं, वो शक्ति लेते हैं। और वाकई में आज भी हमारे बीच में हर रटिकुर की बात करें, हम चौगान की बात करें, तमाम जगह की बात करें जहां पे हमारे मड़िया है, बहुत से जगह में आज भी हमारे एरिया में मड़ई मनाई जाती है। लेकिन मड़ई आप मड़ई मनाते हैं लेकिन मड़ई के विषय में जानते नहीं क्या है। आज लोग क्या बाजारू भाव करते हैं, जाते हैं पान खा के आएंगे धक्का मुक्के होके आ जाते हैं। ये हमारा मिजान है, पोइट्री रीडर का मिजान है। इसके बगैर हमारा समाज जो है ना शादी मड़मिंग का संचालन शुरू नहीं कर सकता।
मण मतलब होता है रिश्ते, मिंग मतलब होता है स्वादिष्ट रिश्ते, जो शादी के रिश्ते तय करने के लिए हमारा मड़ई लगाया जाता है, जहाँ पे लड़के और लड़कों को अपने अपने परिवार से दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां गए पान खाए और घूम फिर के आ गए। रही बात आज चौगान में बहुत से लोग वहां की प्रक्रिया को देखते होंगे, वहां जब निकलते हैं तो वहां हमारे गंगोदाई जिसको हम चंडी बोलते हैं कई रूप में देखा जाता है, जंगो लिंगो के रूप में देखा जाता है, हजारों 4,000-5,000 चंडियां वहां देखने को मिलते हैं। जब आप देखेंगे कभी आपको ध्यान आएगा तो एक निश्चित जगह बनाया जाता है, वहां पे फेरे लगाते हैं। वो फेरे क्यों लगाते हैं? वहां हमारा भूमका होता है और वहां हमारा पेंट आना होता है और हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं उसमें घेरा मारते हैं, उसमें अपने बहन बेटियों को एक दूसरे के सामने करते हैं, परिचय होती है। उस दिन से हमारा रिश्ता तय होता है कौन सा लड़का अच्छा लगा। तो गोंगो वही चीज है, गोंगो यह धरती का दूसरा रूप हम है। अभी आपने देखे होंगे जब गोंगो किया गया तो एक आदमी का चित्र बना हुआ देखे होंगे आपने, वो हमारा चित्र है धरती का दूसरा रूप। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं हमारे बीच में, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करने वाले सामाजिक चिंतनकार, संवैधानिक जानकार लोग उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कम से कम समय लेकर के चला जाऊं और आप लोगों को बता दूं, सगापाड़ी आज हमारा और इस देश में जो लड़ाई चल रही है सिर्फ अस्तित्व का है, पहचान का है। आप और हम भी आज इकट्ठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने पहचान के लिए। आज हमारा पहचान डूबते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानते ना समझते नहीं। तो मैं इतना ही बात रखूंगा, बातें बहुत है, बहुत रखने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं आज आप सभी को सेवा जवाहर करते गए मैं यहीं पे अपनी वाणी संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से हमारे सम्मानी राजीव कुड़ापे जी का सम्मान करें।